बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर जिले की 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। बता दें कि इस सूची में नाम घोषित होने के बाद से कांग्रेस ने वर्तमान विधायक और प्रत्याशी डॉक्टर सतीश सिंह सिकरबार को ही अपना प्रत्याशी बनाया है और वो अब चुनावी अभियान में जुट गए हैं। उन्होंने अपना औपचारिक रूप से जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। सिकरबार ने कहा कि मुझे खुशी है कि पार्टी ने मुझ पर दोबारा भरोसा जताया और मैं उसे पूरा करूंगा और मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने भारी मतों से कांग्रेस की सरकार बनने का भी दावा किया। हमें तो कोई नहीं लगता, हमारे साथ तो जनता है और प्रभु का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, जनता कांग्रेस के साथ है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की विदाई निश्चित है और कांग्रेस की सरकार बनेगी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में और 150 से अधिक सीटें आएंगी। आपका मुद्दा इस बार क्या रहेगा? महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, बिजली पानी सीवर सड़क के स्थानीय मुद्दे भी हैं और हमारे जो प्रदेश की हालत है, आज प्रदेश बर्बाद हो गया, पूरे प्रदेश का किसान बर्बाद हो गया, हमारे प्रदेश के युवा बर्बाद हो गए, उनके जिस तरह घोटाले हो रहे हैं, व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, पुलिस परीक्षा घोटाला, तमाम लोगों का, युवाओं का जीवन से खिलवाड़ जो सरकार ने की है उसका खामियाजा है, सरकार को भुगतना पड़ेगा। भाजपा तो कह रही है हमने काफी विकास किया है। कोई विकास नहीं है शहर। अच्छा तो ग्वालियर शहर में जाके देख लो, कहाँ विकास दिख नहीं रहा उनका।